उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बसों में किराए में बढ़ोतरी की है। विभाग ने 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया है, जिसके चलते जनता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। यात्रियों का कहना है कि जिस तरह विभाग से किराया बढ़ाया जाता है, उस तरह सुविधाएं नहीं दी जाती। हालांकि इसको लेकर कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, मगर कुल मिलाकर किराए बढ़ाने को लेकर सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नए साल के लिए यात्रियों के लिए एक अनोखा तोहफा दिया है। हालांकि ये जो तोहफा है ये यात्रियों को थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है और उनकी जेब जो है वो एक तरह से ढीली पड़ने वाली। इस समय हम मौजूद हैं आलमबाग बस स्टैंड पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम यात्री मौजूद हैं, यहाँ पर बसेस भी खड़ी हैं और एकाएक जिस तरह से परिवहन विभाग ने फेयर में वृद्धि करी है, जिस तरह से उसने पैसे को बढ़ाया है, उसको लेके यात्री एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर है। किस तरह से देखते हैं, साधारण बसों में 10 पैसे, एसी बसों में 20 पैसे, वॉल्वो बस में 22 पैसे तक की वृद्धि करी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत महंगाई तो है ही। खैर, तो साफ तौर पे इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं से स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत है, जो बसों की टाइमिंग है उसको सही किया जाना चाहिए। आपसे बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं? सर, मेरे लिए तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। लाइक एक जो मेंटेनेंस होती है ना, मेंटेनेंस रिव्यू नहीं होती। अभी सीटें बैक नहीं जाती हैं, अगर एसी में जा रहे हैं आप, सीट बैक नहीं जा रही, जाम हो जा रही है या उसका सस्पेंशन खराब है, गाड़ी उछल रही है आप भी उछल रहे हैं, कभी सर लड़ा ऊपर कुछ हो रहा है, तो इस तरह की चीजें, इनको मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए। परिवहन विभाग ने टिकटों के फेयर को बढ़ाया है, किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, इसमें जब भाई ऑपरेटिंग कास्ट बढ़ेगी, कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ेंगे, तो कोई गवर्नमेंट ऐसी तो है नहीं कि अपने घर से देगी, निकालना सब पब्लिक से ही है। ये यहाँ पे मैम भी मौजूद हैं, मैम से भी बात करेंगे, किस तरह से देखती हैं मैम इसको आप? खबरें हिसाब से थोड़ी सुविधा बढ़ानी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखें और बाकी यही, जैसे सर ने कहा ये सब गंदे हैं, इनको थोड़ा सुधारना चाहिए। लगता है एक आम यात्री की बोझ पे मैम असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। सुविधाएं मिल रही है मैम पूरी? और पहली बार जा रहे हैं, क्या बताएं, पहली बार जा रही हैं। शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से परिवहन विभाग के जो यात्री हैं, जो लगातार बस में सफर करते हैं, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि पैसा बढ़ाया जाना उचित है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसी तरह से परिवहन विभाग को अपनी सुविधाओं में भी इजाफा करना चाहिए। महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो सीटें हैं उनको थोड़ा सा कम्फर्ट किया जाना चाहिए। अगर इसके बाद पैसा बढ़ता है तो यात्रियों का कहना यह है कि हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं परिवहन विभाग का साफ तौर पे कहना यह है कि 2.25 साल से जिस तरह से डीजल के रेट बढ़े हैं, जिस तरह से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं हो रही थी, उसको देखते हुए परिवहन विभाग ने अपने किराए को बढ़ाया। हालांकि इसमें यात्रियों की एक मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसको देखते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातें करी हैं कि परिवहन विभाग पैसा बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी सुविधाओं को भी वो बढ़ाए, जिससे हम लोग अपने यात्रा को आसान तरीके से और सुगम तरीके से कर पाए। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ। कहना क्या, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सुविधा मिले तो किलोमीटर के हिसाब से महंगा नहीं होगा, लेकिन सुविधाएं नहीं रहती है इसलिए दिक्कत होती है। सर कहना क्या चाहेंगे, असल में टोल प्लाजा वगैरह जो टोल टैक्स पड़ता है ना, तो पहले के रोडवेज वालों को नहीं पड़ता था, अब ये सरकारी विभाग से भी वसूला जा रहा है, तो गलत तो है ये, जहाँ तक मेरी सोच कहती है। रोडवेज से अगर ये किराया टोल टैक्स वाले ना लें, छोड़ दें, तो किराया जाहिर सी बात है विभाग कम कर देगा।